दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर अत्याधुनिक फाइटर जेट बना रहे हैं जिसका नाम कान है। इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि तुर्की का कान फाइटर जेट पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो कि AI टेक्नोलॉजी से लैस होगा। किलर ड्रोन बनाकर सुपर पावर बन चुकी तुर्की ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट कान को डेवलप करने का फैसला किया है। तुर्की अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में भारत पर कश्मीर के खिलाफ जहर उगलता रहता है। अजरबैजान तुर्की के ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया पर भीषण हमले करता रहता है। तुर्की का यह कान फाइटर जेट भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि भारत के पास अभी एक भी पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने कान के एक मॉडल को तैयार कर लिया है और अब यह पहली बार अपनी ऐतिहासिक उड़ान भर सकता है। तुर्की अगर ऐसा करने में सफल रहता है तो उसके लिए यह ऐतिहासिक घटना होगी। तुर्की का यह दावा है कि यह रेडार की पकड़ में नहीं आने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। तुर्की का कान भारत के लिए क्यों है बड़ा खतरा? दरअसल तुर्की का यह कान विमान 27 दिसंबर को उड़ान भरने वाला है। इस लड़ाकू विमान को तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने डेवलप किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। तुर्की मीडिया का दावा है कान लड़ाकू विमान के कई सब सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे। इससे तुर्की पर वित्तीय भार कम आएगा और विमानों का उत्पादन भी तेजी से होगा। तुर्की का दावा है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से यह विमान दुश्मन के इलाके में बिना किसी भनक के घुस सकेगा। इससे यह फ्यूचर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। AI टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से यह आधुनिक हवाई युद्ध कौशल में अपराजेय साबित होगा। तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस साझेदारी से भारत की टेंशन बढ़ रही है। भारत के पास एक भी पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, न तो भविष्य में इसके खरीदने की संभावना ही दिख रही है। भारत अपने खुद के विमान पर काम कर रहा है लेकिन अभी यह विकास के चरण में है। तुर्की पाकिस्तान को पहले ही अपने कई घातक ड्रोन दे चुका है। ऐसे में दोनों देश के बीच नई साझेदारी से भारत की टेंशन बढ़ गई है।